नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। बीजापुर में गुरुवार रात तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से दो जवान शहीद हो गए जबकि चार घायल हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। यही वजह है कि 2024 के 6 महीने से भी कम समय में नक्सल विरोधी अभियानों को के बाद अब 136 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सरकार ने नक्सलवाद पर डबल अटैक की तैयारी कर ली है। एक ओर जहां नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, वहीं उन्हें सरेंडर कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए मदद भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों की नई पुनर्वास नीति का मसौदा तैयार कर रही है ताकि सरेंडर के बाद उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को खुली चुनौती दे दी है कि सरेंडर करो या मरो। ऐसे में बौखलाए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। बीजापुर में रात तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडिमरका में जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से दो जवान शहीद हो गए जबकि चार घायल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। वहीं मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर सहित दो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना स्थल से 3 AK-47 राइफल्स, 2 इसांस राइफल्स, 1 कार्बाइन और 1 SLR सहित 7 हथियार बरामद किए गए। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। यही वजह है कि नक्सलियों के गढ़ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब दम तोड़ने लगा है। पिछले 4 महीने में छत्तीसगढ़ में 90 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं 2024 में 6 महीने से भी कम समय में नक्सल विरोधी अभियानों के बाद 136 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 2016 में 134 नक्सलियों को ढेर किया गया था। ये संख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस साल में अब तक 392 नक्सलियों को पकड़ा जा चुका है और 399 ने सरेंडर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल अभी तक करीब 22 लोगों और 10 जवानों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। एक तरफ राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के सरेंडर के लिए सरकार बड़ी योजना बना रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति का मसौदा तैयार करने की बात कही है। शर्मा ने इसके लिए माओवादियों से सुझाव मांगा है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील करते हुए उनसे पूछा, वे स्वयं बताए कि उनकी पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। यानी सरकार ने नक्सलवाद पर डबल अटैक की तैयारी कर ली है। एक ओर जहां नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं उन्हें सरेंडर कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में मदद भी की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि भटके हुए युवा समाज की मुख्य धारा में लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार एक बड़ा कदम उठाने वाली है। एक तरफ राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के सरेंडर के लिए सरकार बड़ी योजना बना रही है। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। यही वजह है कि नक्सलियों के गढ़ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब दम तोड़ने लगा है। पिछले 4 महीने में छत्तीसगढ़ में 90 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं 2024 के 6 महीने से भी कम समय में नक्सल विरोधी अभियानों के बाद 136 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 2016 में 134 नक्सलियों को ढेर किया गया था। यह संख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा मुद्दा में। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ डीजीपी पूर्व डीजीपी AK जैन जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। AK जैन जी सर, क्योंकि इस साल 136 ढेर, 392 गिरफ्तार और 399 सरेंडर, क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल खात्मे की ओर बढ़ रहा है। इससे बड़ी कार्रवाइयां कभी नहीं हुई हैं जितनी की पिछले 6 महीने में 8 महीने में मेरे द्वारा देखी गई हैं। ये बहुत सराहनीय है और जान हथेली पे लेकर वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और निरंतर कार्रवाई जारी है। बीच में ये दुखद घटना हुई है जिसमें कि नक्सलियों ने घात लगा के ये IED का ब्लास्ट किया है। ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। सर्विसेज में ऐसा भी होता है कि कभी आप मात खाते हैं, कभी आप दूसरों को मात देते हैं। ये लड़ाई निरंतर जारी है, पर जिस तरीके से नक्सलवाद के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है, अभी गढ़चिरौली में सुबह मैंने पढ़ा एनकाउंटर हुआ है जिसमें कि 12 नक्सली मारे गए हैं जी। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इन क्षेत्रों का विकास इसकी वजह से रुका हुआ था। सड़कें नहीं बनने देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस फोर्सेस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो गाड़ियों के माध्यम से उन इलाकों में आ सकें, वहां का डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। नक्सलवाद शुरू किसी और उद्देश्य के साथ हुआ था, पर अब तो वो फिरौती पे आ गया है। फिरौती वसूलते हैं और धन की उगाही होती है। तो जो इस समय कार्रवाई चल रही है छत्तीसगढ़ में, बहुत स्वागत योग्य है। कठोर कार्रवाई हो रही है जी। और ऐसी ही कार्रवाई की प्रतीक्षा थी और मैं समझता हूँ इस तरह की कार्रवाई अगर जो ये 3-4 प्रदेश बचे हैं इनमें अगर लगातार जारी रहेगी तो साल डेढ़ साल के अंदर अंदर नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल, अगर 3-4 राज्य, क्योंकि आलोक वत्स जी जैसा कि अभी यहाँ पर बताया AK जैन जी ने भी कि जो बचे हैं, अगर वहां पर भी इसी तरह की कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी तो नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। और ये जो कदम है वो वाकई सरकार का बेहद सराहनीय है। इस बात को AK जैन जी भी स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि काफी अच्छा कार्य अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सर, लेकिन आप नक्सलवाद तो खत्म करने के लिए नई पुनर्वास नीति ला रहे हैं, इस पर कांग्रेस की आपत्ति ये है कि पुरानी नीति खारिज करने के बाद अभी तक वर्तमान सरकार ने नक्सलवाद को लेकर कोई नीति घोषित नहीं की है। सरकार पुनर्वास नीति लेकर आए, उसके पहले नक्सल नीति घोषित होनी चाहिए। जब नक्सल नीति घोषित करेंगे तब पुनर्वास नीति बनेगी। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आलोक जी? कांग्रेस तो बराबर कुछ न कुछ इस तरीके की अनर्गल बातें करती रही। आज प्रदेश में जिस तरीके से अभी जैन साहब ने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल उचित कार्रवाई हो रही है और इस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए, कितने लोग सरेंडर किए, कितने लोगों को पुनर्वास के लिए अब जो योजना बनी है उसमें उनसे भी सुझाव मांगा गया है कि आप किस तरीके का, और एक ईमेल भी दिया गया है जिस पे अपने वो सुझाव दे सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पे वो अपने सुझाव भेज सकते हैं। और जो नित्य निलार करके जो एक इन्होंने स्कीम लागू किया है तो उसमें सभी से सुझाव भी मांगा जा रहा है और मुझे लगता है कि
जो पुनर्वास योजना है उसको अगर इन आपसी सहमति से ये मान दोनों में समझौता हुआ तो एक अच्छी पहल होगी और काफी नक्सली रिहैबिलिटेट हो जाएंगे। हालांकि ये भी उनको बताया गया है कि क्या आप चाइना के जैसा सामाजिक स्वतंत्रता चाहते हैं जहां ना आर्थिक सामाजिक और व्यक्तिगत सभी चीजों पर पाबंदी है, यहां तो भारत में तो इस तरीके की पाबंदी नहीं है, तो अगर आपको पुनर्वास किया जाएगा तो ये आर्थिक सामाजिक और व्यक्तिगत भी आपको सारी छूटें बरकरार आपके साथ रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है और अगर ये यहाँ सक्सेसफुल हुआ तो इसी तरीके का ऑपरेशन जो भारत के अन्य राज्यों में भी नक्सलवाद की समस्या से उलझ रहे हैं जो वहाँ भी एक अलग ढंग से लागू होगा। ठीक है आलोक जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आने लगी है। एके जैन जी, क्योंकि आपने अभी आलोक जी को भी यहाँ पर सुना और वो कह रहे हैं कि इस दौरान तमाम सुझाव भी मांगे गए हैं, ईमेल भी जारी की गई है और ऐसे में तमाम योजना अब बनाई गई है, लेकिन सर एक चीज यहाँ पर ये भी है कि नक्सलवाद के खिलाफ ज्यादा बड़ी और सफल कार्रवाई स्टेट पुलिस ने ही की है। सर ऐसा क्या बदला है कि जहां सैन्य कार्रवाई तक की मांग उठती थी अब वहां पुलिस के लिए ही ये पर्याप्त है? नहीं नहीं, केवल पुलिस ही नहीं कर रही है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसमें सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्सेस मांगी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस मद में बहुत फंडिंग करती है, वेपन्स खरीदने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, फोर्स की भर्ती के लिए और ट्रेनिंग दी जाती है, उच्च कोटि की ट्रेनिंग दी जाती है जो नक्सल ऑपरेशन में लोग लगाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग जो है वो आईटीबीपी भी देती है, बीएसएफ देती है टेकनपुर में, सीआरपीएफ के में भी दी जाती है, एनएसजी में कमांडोज जाते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, बहुत उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि जंगल वॉरफेयर में वो पारंगत हो सके और जो पिछली गलतियां उनकी हुई हैं उनसे सबक सिखाए जाते हैं कि पिछली गलतियों में इन कारणों से हमारे जवानों ने हाथ धोए थे और इससे हमको बचना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों में सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, मैं उस समय वही आईजी जोन था बनारस में जी। तो इस समय वहां पर आतंकवाद था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ठान लिया कि हमको यहां से नक्सलवाद खत्म करना है और बिल्कुल उसको जड़ से समाप्त कर दिया गया और आज वहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वरना एक समय स्थिति बड़ी भयावह थी चंदौली और मिर्जापुर के कुछ और सोनभद्र के कुछ थानों के क्षेत्रों में। तो वही ये है, कई स्टेट्स इससे मुक्त हो गए हैं, आंध्र प्रदेश ने बड़ी सफलता पाई है, उन्होंने अपना लोकल फोर्स क्रिएट किया था और वो बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा, उसको कई स्टेट्स ने कॉपी किया। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मांगी जाती है फाइनेंशियल एड और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ग्रुप्स वो उपलब्ध कराई जाती है जी। आर्मी को इंडक्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये ऑपरेशन इनसाइडर्स के खिलाफ है, ये आर्मी का उपयोग होता है हमेशा जो आउटसाइडर्स होते हैं, देश के बाहर के लोग हैं, आतंकवादी हैं उनके खिलाफ, ये यहाँ पर देश के ही लोग हैं, कुछ गुमराह लोग हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं इनकी आड़ में, इसलिए उनसे निपटने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां लगाई गई हैं। कुछ गुमराह लोग हैं जिनको राह पर लाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है कि किस तरीके से वो वापस से मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और इसीलिए लगातार सरेंडर की बात उनके सामने की जा रही है कि वो सरेंडर कर दें। भरत सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इससे पहले आलोक जी से मैं चर्चा कर रही थी भरत सिंह जी और आपसे सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर जो अभियान चल रहा है बीजेपी उसे अपनी नीति की सफलता बता रही है, परोक्ष रूप से बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों की जो पॉलिसी थी वो कमजोर थी। सर क्या वास्तव में कोई बदलाव आपको दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में नक्सली कमजोर हो रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर और सरेंडर की संख्या अब बढ़ रही है। लेकिन जागी जी, जिस तरह से
हमारे आलोक भाई कह रहे थे कि हमने जो नीति बनाई है बहुत अच्छी है, चलिए हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छी नीति है, सार्वजनिक तो करिए उसको, बताइए तो सही, विपक्ष भी है, देश भी जानना चाहता, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आपने नक्सलियों के लिए कौन सी नीति बनाई है, क्या उस पर जो है वर्कआउट आपने किया है। मान लीजिए कल हमारे सैनिक अगर वहाँ जाते हैं या पुलिस वहाँ जाती है, कल उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो ये मतलब ये तो कहीं ना कहीं हमारे जो है वो सैनिकों के खिलाफ या नौजवानों के खिलाफ पुलिस के खिलाफ हो जाएगा ना। तो कम से कम सरकार ये चला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो इनको, लेकिन सरकार चलाते हुए विपक्ष भी है ना, तो विपक्ष को भी तो ये भरोसे में लेना चाहिए कि भाई हमने ये नीति बनाई है, हम तो चाहते हैं, हमने भी नीति बनाई थी, हमारे नीति को जो है आपने पलट दिया, आप लेके आए हैं कोई बात नहीं, लेके आइए, हम तो सहयोग भी करेंगे, लेकिन ये सार्वजनिक करिए तो सही कि क्या आपने नीति बनाई है, उनको आत्मसमर्पण करवाना है तो आत्मसमर्पण के बाद क्या करना है, उनके परिवार के लिए क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, ये सारी चीज सार्वजनिक होनी चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी, अभी आपने सुना होगा भरत सिंह जी को, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए हमारी जो नीति थी वो तो आपने पलट दी, लेकिन आप जो नीति बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम उसका विरोध करेंगे, बल्कि हम आपको सहयोग भी करेंगे, लेकिन कम से कम विपक्ष को भी तो आपको बताना चाहिए कि आप क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ योजना है। आपने वो सार्वजनिक तो की नहीं, नक्सलियों के परिवार के लिए क्या करेंगे, जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनके लिए क्या करेंगे, क्या कुछ योजना बनाई है उसको सार्वजनिक करिए। देखिए रिशु जी, अभी ये चीजें निचले स्तर पर है, अभी इसकी समीक्षा हो रही है, उनसे भी सुझाव मांगा गया है और अभी ये बनने के प्रक्रिया में है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक महीने के अंदर या दो महीने के अंदर जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा कि हाँ उनकी सहमति से जो नक्सलियों से भी वार्ता चल रही है कि इस तरीके का पुनर्वास वो चाहते हैं, तो इनके साथ साझा कर लेंगे, बता देंगे इनको कि हाँ इस तरीके से पुनर्वास होने जा रहा है और इस तरीके से ये नक्सली समर्पण करेंगे और पुनर्वास योजना में आकर और एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अभी तो ये बन ही रहा है, अभी तो समीक्षाएं हैं हो रही हैं, उनसे भी सुझाव मांगा गया है, उनको ईमेल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी बताया गया है जिस पर वो अपने सुझाव भेज सकते हैं, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव कदम है और कारगर कदम है, और अगर एक दफा ये जब सहमति से लागू हो जाएगा, लागू करने के पूर्व हम इनसे भी थोड़ा मशवरा कर लेंगे। चलिए भरत सिंह जी, वो तो कह रहे हैं देखिए अभी समीक्षा हो रही है और ऐसा नहीं है कि आपको लूप में नहीं रखेंगे, जब सारी चीजें हो जाएंगी तय तो आपसे जरूर यहाँ पर सलाह मशवरा लेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, अगर आपसे सलाह ली जाएगी। बताइए क्या हमारी नीति खराब थी क्या, जो हमने उनके लिए नीति बनाई थी नक्सलियों के लिए, अगर खराब नहीं थी तो उसको चलने देना चाहिए था, आप उसी नीति के तहत काम करते कि भाई ठीक है पिछली सरकार ने जो बनाई है वो अच्छी नीति है उसी पे काम करते, या तो आप कह दीजिए कि ये नीति खराब, अब जो नई नीति बनाएंगे उसमें समय लगेगा, एक दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीना, लेकिन आप एक जो नीति बना दी गई थी, अगर हमने अगर मान लीजिए आप बना दें, कल हमारी सरकार आ जाए और उसको हम पलट दें, अगर हो सकता है आपकी नीति अच्छी हो तो उसको जो है उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, भाई चलो इसी नीति के तहत हम जो है नक्सलियों को आगे सरेंडर कराते रहेंगे, उनको रिहैब करने का, कैसे पुनर्वसन करने का वो बहुत अच्छा स्कीम इनका था तो उसी को हम लोग लागू करते हैं, लेकिन आप किसी के जो नीति बनाई जाती है या कोई सरकार आके उसको एक नियम के तहत कार्रवाई करना चाहती है, उनको पुनर्वसन करना चाहती है, आपको हजम नहीं हो रहा था, आपको ये देखना मतलब ये मुझे लगता है कि कहीं से हजम नहीं हुआ कि नहीं, कैसे कांग्रेस जो है इसका फायदा नहीं चाहती है, हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें उस जो भटके हुए नौजवान है उनके जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, उनके परिवार के ठीक है, दोनों का उद्देश्य तो एक ही है आलोक जी, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जो भटके हुए हैं वो फिर से राह पर आ जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी नीति ऐसी क्यों थी जो आपने उसको नकार दिया, आप उसी में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते थे लेकिन आपने तो पूरे तरीके से नकार दिया। अभी इनको कैसे मालूम कि हमने इनकी नीति को नकार दिया है, आप लोग क्या नीति बना रहे ना, इसलिए मैंने कहा आपसे एक मिनट आप मुझे बोल लेने दे प्लीज जी। जब नीति बन के आ जाएगी इनके साथ साझा करेंगे तो हो सकता है कुछ इनके समय की चीजों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया हो,
हम तो ये नहीं कह रहे कि इनकी नीति को हमने पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन हमें कारगर ढंग से और अब इस योजना के तहत लगभग ऐसी स्थिति पर पहुंचने वाले हैं जिससे कि वो सरेंडर करेंगे और समाज में नक्सलीवाद वहां से समाप्त होगा। तो जब ये बन जाएगा और उनकी सहमति भी हो जाएगी तो हो सकता है इनके साथ जब हम साझा करें तो इन बहुत सी चीजें उसमें इनके समय के भी इनकॉर्पोरेटेड हो। तो अभी इनको कहिए धैर्य रखें, अभी हमने इनकी नीति को नकारा नहीं है, हमने एक नई नीति बनाई है जिसमें हो सकता है उनमें उनकी भी कुछ नीतियां को इसमें लिया गया हो। ठीक है ठीक है, मैं वापस से आऊंगी आप दोनों के पास, लेकिन एक जैन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश हम करना चाहेंगे, क्योंकि सर राज्य में नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार पुनर्वास पॉलिसी में बदलाव कर सकती है, और इसको अगर यहाँ पर बात करें तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पुनर्वास पॉलिसी की आड़ में नक्सलवाद एक नए मॉड्यूल में भी तो उभर सकता है। देखिए समय की मांग होती है, समय के अनुसार चेंजेस किए जाए। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वहां पर है उनको अधिकार है कि अगर वो समझते हैं कि इस नीति में कोई कमियां हैं तो उन नीतियों की कमियों को दूर करें और नई नीति जारी करें। समय की मांग के अनुसार करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, सूत न कपास जुलाहों से लठम लठा। अभी ना नई पुरानी नीति कोई अबॉलिश की गई है ना नई नीति आई है, ये बयानबाजी तक है सिर्फ। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि बगैर किसी नीति के पुरानी नीति अबॉलिश कर दी जाए। जब नई नीति आएगी तब लोगों की मैं समझता हूँ सलाह लेकर उसको जारी किया जाएगा। कोई भी प्रदेश बगैर नीति के नहीं चलता है। अभी भी इस समय नक्सलियों के सरेंडर हो रहे हैं तो वो पुरानी नीति के अनुसार ही हो रहे हों, उसमें अगर कोई कमी पाई जा रही होगी या कोई नए जो वहाँ का नया वातावरण है उसको लेके कोई नए चेंजेस करना चाह रहे होंगे तो वो किए जाएंगे, करने भी चाहिए। हर सरकार को अधिकार है। जो सरकार वर्तमान में अभी इस समय छत्तीसगढ़ में है, मैंने पिछले कुछ माह का इनका कार्यकाल देखा है जी। इन्होंने बड़ी उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की है और इसके लिए मैं जो सरकार है छत्तीसगढ़ में उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इसी तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि नक्सलवाद से मुक्ति पा सके छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, बहुत से राज्य हैं, उन्होंने ऑलरेडी सख्ती करके पुनर्वास नीति बना के और इसमें उल्लेखनीय सफलता पाई है। ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की कुछ पॉकेट्स में अभी बचा है नक्सलवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत इंफेसिस है इसमें। मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि लास्ट लेग्स पे है और साल डेढ़ साल के अंदर अंदर इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैं लेट अस होप कि ये नक्सलिज्म एक डेढ़ साल के अंदर अंदर देश में समाप्त हो, जिससे कि जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सब हम उनको बॉर्डर पर इस्तेमाल कर सकें, और उसके लिए इनको अपने जो लोकल लोग हैं, हमारे ट्राइबल्स हैं, जो कुछ गुमराह लोग हैं उनके ऊपर हमें इस्तेमाल न करना पड़े। कोई भी प्रदेश बगैर नीति के नहीं रहता है। जो नीति है, कोई नीति एग्जिस्टिंग होगी, वही चल रही है। जब अमेंडमेंट होगा तो बाकायदा उसका नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन होके सबको उसकी जानकारी मिलेगी, असेंबली से पास होगा, बिल होगा, गवर्नर की उसमें असेंट मिलेगी जी। और गवर्नर की कंसेंट मिलने के बाद उसमें आदेश जारी होंगे। सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं और पटल पर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय नीति बनाकर और गोपनीय तरीके से उसको कोई जारी कर दे स्टेट, ऐसा कभी नहीं होता है। जी बिल्कुल, और सारी चीजें जब पटल पर आएंगी तो क्योंकि भरत सिंह जी जो अभी आप आरोप लगा रहे थे वो चीजें भी, वो तस्वीरें भी एकदम साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी विशेष पेशकश मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।